सुप्रभात। कक्षा पहली, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 14 शीर्षक गिनती। आज हम हिंदी की गिनती सीखेंगे 1 से 20 तक। आप इंग्लिश में जैसे काउंटिंग बोलते हो, उसे हिंदी में बोलते हैं गिनती। आपने इंग्लिश में 1 to 100 गिनती सीखी, अब आपको क्या सीखना है? हिंदी की गिनती सीखनी है जो 1 से 20 तक की है। आपको उसे लिखना भी है और बोलना भी सीखना है। आप लिखने का बार बार अभ्यास करिए 1 से 20 तक, तो आपको लिखना आ जाएगा। और लिखते लिखते साथ साथ में उन अंकों का उच्चारण भी कीजिए। बार बार आप लिखोगे और बार बार उच्चारण करोगे तो आपको लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा और बोलने का भी अभ्यास हो जाएगा। तो आप देखिए 1 से 20 तक की ये अंकों में गिनती लिखी हुई है और ये शब्दों में गिनती लिखी हुई है। तो आपको अंकों में भी लिखना आना चाहिए और शब्दों में भी लिखना आना चाहिए। तो देखिए अंकों में जिसे आप बोलते हैं 1 उसे 1, जिसे बोलते हैं 2 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9 और 10 को 10, 11 को 11, 12 को 12, 13 को 13, 14 को 14, 15 को 15, 16 को 16, 17 को 17, 18 को 18, 19 को 19 और 20 को 20। इस प्रकार से जो 1 to 20 तक आप काउंटिंग करते हैं उसे हिंदी में 1 से 20 तक की गिनती हमने आपको बताई। तब आपका क्या काम है? अब आपको क्या करना है कि 1 से 20 तक की गिनती को पूरा अंकों में लिखना है और उसको शब्दों में लिखना है। आप लिखने के साथ साथ उच्चारण भी बार बार करेंगे तो लिखने का और बोलने का अभ्यास पूरा हो जाएगा। तो देखिए जो आप 1 से 20 तक इंग्लिश में गिनती लिखते हैं और जो 1 से 20 तक हिंदी में गिनती लिखी हुई है एकदम अलग है। आप देख रहे होंगे हर अंक में बिल्कुल अलग है, लेकिन एक बार आप 1 लिखना सीख जाओ हिंदी की गिनती में, अगर आपने 1 लिखना सीख लिया तो देखिएगा 11 से 20 तक में पूरे 1 का प्रयोग हुआ है। जैसे आप इंग्लिश में 1 को आपने सीखा तो 11 से 19 तक जब लिखा तो आपको पूरा 1 का प्रयोग हुआ और अभ्यास हो गए। इसी प्रकार से जब 1 से 20 तक की आप गिनती सीख लेंगे तो 100 तक गिनती आप आराम से लिख लेंगे, क्योंकि 1 से 10 तक के अंतर्गत जितने भी अंक हैं वो पूरे 100 की गिनती तक ये अंक प्रयोग किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये हिंदी के अंकों को